तो आज हम थायराइड कैंसर के कॉजेस क्या हैं, क्यों होता है, उसके सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि थायराइड क्या है। थायराइड एक नॉर्मल बॉडी का एक नॉर्मल ऑर्गन है जो कि गले में होता है, सबके होते हैं, मेल फीमेल सबके होते हैं। बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड हार्मोन का काफ़ी रोल है। तो इस ऑर्गन में जो कैंसर होता है उसको हम थायराइड कैंसर बोलते हैं। वैसे तो बाकी ऑर्गन के कैंसर के हिसाब से ये थोड़ा रेयर है, बट आजकल इसके नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। यूजुअली चार तरह के थायराइड कैंसर होते हैं, पैपिलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक एंड मेडुलरी, यही चार तरह के होते हैं। उसमें से पैपिलरी और फॉलिकुलर जो है उसको वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर बोलते हैं। इसमें ट्रीटमेंट होके कंप्लीट क्योर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है वो है पैपिलरी कैंसर, ये सबसे कॉमन है, और जो एनाप्लास्टिक है वो सबसे रेयर है। पैपिलरी और फॉलिकुलर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ईजी है। जो मेडुलरी होता है वो थोड़ा सा रेयर है, बट उसकी भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। एनाप्लास्टिक कैंसर जो है वो सबसे सीवियर मोस्ट है। अब हम देखेंगे उसके क्या क्या कारण हैं थायराइड कैंसर के। जो सबसे नंबर वन कॉज है वो हमें नहीं पता, मतलब इडियोपैथिक, उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं इडियोपैथिक। मतलब इस मरीज को क्यों थायराइड कैंसर हुआ वो आज तक मेडिकल साइंस को नहीं पता। जो दूसरा कारण है वो है जेनेटिक। अगर किसी पेशेंट को जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है थायराइड कैंसर होने के लिए तो हो सकता है। जो तीसरा कारण है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी, आपके खाने में आयोडीन की कमी, इसी के वजह से नॉर्थ इंडिया में थायराइड कैंसर के इंसिडेंस थोड़े ज़्यादा हैं आज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। और जो लास्ट कॉज है वो है बचपन में किसी को अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर, खासकर गले के एरिए को, ये भी एक थायराइड कैंसर का कारण हो सकता है। अब आएंगे हम सिम्टम्स मतलब लक्षण। जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम या लक्षण होता है वो होता है गले में एक गांठ। जो गांठ पहले नहीं थी अब आई और धीरे धीरे या तेजी से बढ़ रही है। उसके साथ ये जो गांठ को जब हम फील करेंगे तो फील में थोड़ा हार्ड लगता है, और उसके साथ गले में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकता है, खाना निगलने में या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या फिर वॉइस चेंज मतलब जिसको हम हमारे टर्म में बोलते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये सारे कारण हो सकते हैं। यूजुअली थायराइड का जो कैंसर है वो फीमेल में थोड़ा मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल थोड़े से यंग एज ग्रुप में अफेक्टेड होते हैं, 40 से 50 के एज ग्रुप में, और मेल में जब ये होता है तो यूजुअली 60 से 70 के एज ग्रुप में होता है। पर अगर सिम्टम देखें तो मेल और फीमेल में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। जो मैंने सारे लक्षण बताए, गले में दर्द, गांठ, वॉइस चेंज, सांस या खाने निगलने में दिक्कत, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, कोई ऐसा खास उसमें फर्क नहीं होता लक्षण में। अब आएंगे ट्रीटमेंट में। यूजुअली क्या होता है थायराइड कैंसर, जो जैसे मैंने बताया वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर जो कि पैपिलरी और फॉलिकुलर है, ये दोनों का ऑपरेशन मेन स्टे है, मतलब सर्जरी होती है। सर्जरी करके आप जितना से जितना थायराइड निकाल सकते हैं सर्जन निकाल देते हैं। उसके बाद जो बच जाता है उसको हम आयोडीन देके थायराइड को, रेसिडुअल लीजन को जला देते हैं, उसको बोलते हैं रेडियो आयोडीन रेमनेंट एब्लेशन, मतलब रेमनेंट जो ऑपरेशन के बाद जो रेमनेंट रह गया उसको रेडियो आयोडीन देके जला देना, तो इसको रेडियो आयोडीन रेमनेंट एब्लेशन ये बोलते हैं। उसके बाद जो मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड है, मेडुलरी कैंसर थायराइड, थोड़ा सा रेयर है, बट ये भी जब होता है तो इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जरी, ऑपरेशन। उसके बाद इसमें अगर बॉडी में कहीं फैला हुआ है या कुछ है तो फिर उसमें कीमोथेरेपी आता है। और जो एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा जो कि सबसे रेयर है बट सबसे सीवियर फॉर्म है, उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, अलग अलग स्टेज के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। अगर सर्जरी हो सकती है तो सर्जरी होती है, अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो फिर अगर बॉडी में फैला हुआ है तो कीमोथेरेपी होती है, अगर कहीं पे हड्डी में या ब्रेन में फैला हुआ है तो इस एरिया का रेडिएशन होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या हम थायराइड कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया इडियोपैथिक है, मतलब हमें कॉज ही नहीं पता तो हम कैसे प्रिवेंट करें। नंबर टू, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जो जीन्स में है उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते।
नंबर 3 आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी और नंबर 4 रेडिएशन एक्सपोजर। ये जो दोनों कॉजेस हैं, ये दोनों कॉजेस को हम पहले से अगर टैकल कर लें तो हो सकता है इनकी वजह से जो थायराइड कैंसर होने के चांसेस है हम उसको शायद प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थायराइड कैंसर में न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या रोल है। जैसे मैंने आपको बताया, सर्जरी के बाद रेडियो आयोडीन रेमनेंट एब्लेशन, ये न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं है, ये एक रेडियो एक्टिव दवाई है जो कि रेसिडुअल थायराइड टिश्यू को जला देता है। तो यूजुअली हम जब डिस्कस ये करते हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या रोल है, सबसे नंबर वन रोल आता है रेडियो आयोडीन का। रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद एक बार थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, जब हम फॉलोअप पे आते हैं 6 महीने या साल भर में, बॉडी में दोबारा थायराइड कैंसर शुरू हो रहा है नहीं हो रहा है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो आयोडीन होल बॉडी स्कैन। ये एक होल बॉडी स्कैन है जो वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर हैं जैसे कि पैपिलरी और फॉलिकुलर, वो आयोडीन एविड होते हैं। मतलब उसमें अगर कहीं पे भी कैंसर बॉडी में स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो हम ओरली आयोडीन देते हैं वो जाके चिपक जाता है और स्कैन में हमें वो लेजन दिख जाता है। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हो सकता है बॉडी में दोबारा कैंसर शुरू हो रहा हो। इसके बाद हम थायराइड कैंसर में और भी FDG पेट स्कैन कर सकते हैं, गैलियम डोटानॉक्स स्कैन, जैसे मैंने मेडुलरी कैंसर के बारे में बताया उसमें गैलियम डोटानॉक्स स्कैन कर सकते हैं, और एनाप्लास्टिक में हम FDG पेट सीटी स्कैन कर सकते हैं। तो कुल मिला के न्यूक्लियर मेडिसिन थायराइड कैंसर में ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों के रोल में न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो आगे भी हम थायराइड कैंसर की और भी जानकारियाँ हम अपनी वीडियो के साथ हम लेके आएंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।